हेलो फ्रेंड्स, भाई टिस एस्पिरेंट्स के लिए मेजरली जो चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है, सर हमने बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे वर्बल हो गया, एलआर हो गया, क्वांट्स हो गया, वो तो हमने अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ लिया था, बट जीके के लिए हमने स्पेसिफिक कोई तैयारी नहीं करी। एंड हमें पता है कि टिसनेट अगर पेपर हमें निकालना है तो उसमें जीके का एक मेजर कॉम्पोनेंट रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, एंड इसके साथ ही किस तरह से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि जीके में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम टिसनेट की बात करें तो हमें पता है भाई 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 में से 40 क्वेश्चंस आपके जीके के होते हैं, 30 आपके इंग्लिश के होते हैं, एंड 30 आपके क्वांट्स एंड एलआर के होते हैं। जो आपका क्वांट्स, एलआर और वर्बल का सेक्शन है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो अदर एग्जाम्स के लिए। अगर नहीं भी पढ़ा है तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। अगर मैं चाहे एलआर क्वेश्चंस की बात करूं, चाहे मैं आपसे क्वांट क्वेश्चंस की बात करूं, चाहे बात करूं वर्बल की, तो उनका जो लेवल है वो बहुत बेसिक रहता है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन भी है या फिर आपको बहुत बेसिक भी पता है तो इजीली यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। जो मेक और ब्रेक रहता है इस एग्जाम को क्रैक करने का, जो सीक्रेट है वो सीक्रेट आ जाता है जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 100 40 क्वेश्चंस हमें जीके के अटेम्प्ट यहाँ पे करने हैं। तो अब बात को ये समझो कि अगर मेरे पेपर में 100 क्वेश्चंस है, 100 में से जो सेफ स्कोर रहता है, जो ओवर द इयर्स एक अच्छा स्कोर माना गया, वो 75 प्लस माना गया है। मैं कह रहा हूं आपने इन 60 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चंस भी सही कर दिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने 60 में से 45-50 के आसपास भी सही कर दिए, तो भी आपको जीके में 25-30 करेक्ट क्वेश्चन करने हैं। और ये बात आप भी जानते हो, ये बात मुझे ही पता है कि जीके का सिलेबस इनफाइनाइट है, तो किस तरह से अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट को चैनलाइज करते हैं कि इस एग्जाम को स्पेसिफिक हम क्रैक कर पाए। तो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भाई हमें पता है, कन्वेंशनल जीके आती है, यहाँ पे करंट जीके भी आती है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी होते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री भी पूछेगा, यहाँ पे आपसे गवर्नमेंट पॉलिसीज भी पूछेगा। यहाँ पे उसने इस साल टिसमैट भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन बिजनेस अवेयरनेस के हैं। बिजनेस अवेयरनेस इज नथिंग बट नॉलेज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, पिछले एक साल में कौन से मर्जर हुए, कौन सी कंपनी ने किसे खरीदा है, या वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनीज है, महारत्न नवरत्न, उनके क्या फंडा है, इकोनॉमिक्स में रेपो रेट कितना चल रहा है, नया गवर्नर कौन है, कौन सी फिस्कल पॉलिसी है, क्या मॉनिटरी पॉलिसी है। सो दिस इज नथिंग बट करंट अफेयर्स। तो अगेन यहाँ पे भी आपको जो फोकस है इस पेपर को भी क्लियर करने का, उसमें आपका बिजनेस अवेयरनेस करंट अफेयर्स का फोकस है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टिस एग्जाम, जिसमें आपका टिसनेट और टिसमेट दोनों है, टिसमेट उन बच्चों को देना है जो एचआर वाले कोर्स और ओडीसीएल के लिए जाना चाहते हैं, एंड टिसनेट सारे टिस एस्पिरेंट्स को देना है। तो यहाँ पे आपका मेक और ब्रेक जो सेक्शन है वो सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज का निकलता है। तो अब इसमें हमें पढ़ना कैसे, अगर मैं आपकी पढ़ाई को डिवाइड करूं तो मैंने कहा स्टैटिक जीके और करंट जीके पढ़ना है, क्योंकि बिजनेस अवेयरनेस, बिजनेस जीके इज मोर और लेस इंक्लूडेड इन योर करंट जीके। ठीक है, करंट जीके में आपकी ईयर ऑन ईयर पे अगर मैं बात करूं तो एक साल की करंट अफेयर्स आती है, मंथ बाय मंथ आपको पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए। स्टैटिक जीके की जहां तक बात करें, वहां पे आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, 5-year प्लान्स कौन से हैं, हमारी कंट्री में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, कौन कौन से टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर आपको हिस्ट्री का कंपोनेंट आना चाहिए, जिसमें एशियन हिस्ट्री पूरी की पूरी, जिसमें स्टोन एजेस की बात हो रही है, जिसमें आपकी बातें हो रही हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा हुआ था, कौन कौन से एशियन रूलर्स रहे थे। फिर मिडिवल हिस्ट्री में किस तरह से भाई इंडिया में कंट्रीज आई, दूसरे दूसरे रूलर्स आए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद आर्ट, म्यूजिक एंड कल्चर, भाई हिस्ट्री के टाइम नए नए आर्ट बने थे, एजेंट डिफरेंट केव थी, डिफरेंट लिटरेचर लिखे गए, उन सब के कौन फाउंडर्स थे, किसने लिखा था, उसके साथ ही भाई कौन सा डांस है, कौन से स्टेट का, ये सब क्वेश्चन जनरली देखे गए हैं। फिर हमारे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, यहाँ पे आपको क्लाइमेट, सॉइल, उसके बाद माउंटेन्स के ऊपर, उसके बाद आपको सेंसस के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेस्ट हो गया, रेनफॉल हो गया, तो बहुत डीप है, क्रॉप्स हो गया, तो काफी सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ती है। सेम गोज विद पॉलिटी, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कैसे हुआ, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अपने आइडियाज बोरो करे हैं, इसके साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, किस तरह का हमारा पूरा का पूरा
कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कौन इंपॉर्टेंट लोग थे, कितना टाइम लगा था, ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था तो भाई ट्रीटी साइन हुई थी कि अब दुनिया में वॉर ना हो, तो यूनाइटेड नेशंस के क्वेश्चन निकलते हैं, वर्ल्ड बैंक के ऊपर क्वेश्चन हो गया, या फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, अदर ग्रुप्स हैं, जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, तो इनके क्या फीचर्स है। अभी रिसेंटली इंडिया ने RCEP से ऑप्ट आउट कर दिया, तो वो किस तरह का एक सिग्नेचर है, किस तरह की वो ट्रीटी है, क्या वहां पे चीजें होने वाली थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन जनरल साइंस के हमारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, फिजिक्स में हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं, भाई कितने लॉज ऑफ मोशन है, किसने लिखा था, या फिर ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन निकलते हैं। केमिस्ट्री में आपके क्वेश्चन निकलते हैं कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, या फिर अगर आप देखोगे लाफिंग गैस को क्या कहा जाता है। फिर बायोलॉजी में आप क्वेश्चन देखोगे कौन से सेल हैं हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, या फिर आप देखोगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, हमारे ब्लड में जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये सारे क्वेश्चन हमारे जनरली देखे गए। फिर हमारे मिसलेनियस इंडिया के क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ पे हम एम्बलम की बातें करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन निकल जाते हैं फर्स्ट वुमेन कौन है इंडिया की। तो कहने का मतलब बहुत डीप कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, इनफाइनाइट कंटेंट है, तो इस कंटेंट को पढ़े कैसे। हमारे पास सर लिमिटेड टाइम बचा है, ये जो लिमिटेड टाइम है इसमें हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे करें, इसके लिए भाई टिस जीके स्पेशल बैच में आपके लिए लेके आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की सर हमें टिस का जीके स्पेशल करा दो बस, तो इस जीके स्पेशल में हमारा क्या कंटेंट है बात को समझो। इसमें मैं आपको प्राइवेट वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, पूरा का पूरा वीडियो सेक्शन है ये, एंड इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर करा गया समझो बात को। यहां पे आपको स्टैटिक के जितने भी टॉपिक्स है उनकी मैं आपको वीडियोस दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको किस तरह से डिवाइड करने वाला हूं स्टैटिक जीके और करंट जीके। करंट जीके में मैं आपको मंथ बाय मंथ बहुत डिटेल्ड करंट अफेयर्स की वीडियो देने वाला हूं, जिसमें आपके पास एक एक महीने की जितने भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो सारी की सारी डिस्कस करी है, ठीक है। देन स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके में आपको भाई एक एक टॉपिक हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वहां पे आपको मैंने बहुत समझाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको लिखवाए हैं ताकि आप उससे लर्न कर पाओ। देखो भाई जीके में जितना ज्यादा रिटेन करोगे, जितना ज्यादा लर्न करोगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो टोटल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 40 आवर्स का कॉन्टेंट, 40 आवर्स की मैं आपको जीके वीडियोस दूंगा। इसको डिवाइड करो, हर दिन अगर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे देख रहे हो तो भी आप अपना पूरा सिलेबस यहां पे कंफर्टेबली क्लियर कर सकते हो। अब सर हमने वीडियोस देख ली, वीडियोस देखने के बाद इसका रिवीजन कैसे करें, हमें ज्यादा लर्न रखना है क्योंकि टिस इज ऑल अबाउट जीके। तो इसके लिए मैं भाई आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दूंगा, जिसमें आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस तो मिलेंगी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ में मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट आपको मिलेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे भाई वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन उसके अलग भी होंगे, कुछ क्वेश्चन वीडियोस में से भी होंगे, एंड आपको हर महीने का टेस्ट दे दिया। अब आप उस टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या हो रहा है, जो आप वीडियो में देख के आए आपने वो टिक करा, आपको थोड़ा रिटेन ज्यादा हुआ, नहीं भी रिटेन हुआ तो जैसे ही आपने सबमिट करा आपके सामने सॉल्यूशन सारे आ गए, देन आपने देख लिया भाई ये आंसर था, तो एग्जाम में आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। सेम गोज विद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, आपने भाई हिस्ट्री के वीडियोस देख लिए, हिस्ट्री के आपके स्टैटिक जीके के टेस्ट ओपन करो, उनको सॉल्व करो। तो अब क्या हुआ, जो आपने वीडियो में देखा, जो आपने मेमोराइज करा, वो आपने यहां पे रिवाइज करा, तो इससे क्या हुआ, इससे आपका और ज्यादा लर्न हो गया। अब यहां पे हमारा जीके खत्म हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया वर्बल क्वांट्स LR बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, इसके भी मैंने आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट सारे दे दिया, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट है, जो जो टिस में और टिस मैट में पूछे जा सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप यहां पे आराम से कंफर्टेबली सॉल्व कर लोगे। तो जब आप यहां पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट ले लोगे, यहां पे भाई आपको अलग से वीडियो से नहीं पढ़ना है क्योंकि भाई यहां पे ये इजी कंटेंट है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपको बस यहां पे जाना है, ये टॉपिक टेस्ट आपको सॉल्व कर लेने हैं, आपके ये वाले टॉपिक भी ब्रश अप हो गए, तो एक तरह से आप पूरा का पूरा टिस के लिए तैयार हो चुके हो। इसके साथ ही आपको मिलेगी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, 10 टिसनेट के फुल फ्लेज्ड मॉक्स मिलेंगे, जिसमें भाई पूरी की पूरी उस तरह का उस पैटर्न पे पेपर बनाया जैसा टिस में आ सकता है। साथ में 5 टिसमैट के पेपर भी मिलेंगे, जो एक्चुअल टिसमैट आप देखोगे उन्हीं लाइंस में पूरा का पूरा पेपर बनाया गया है। इसमें भाई उन्हीं स्ट्रक्चर जिस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आएगा, आपकी रैंकिंग, आपका स्कोर क्या है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। तो पूरा ये भाई 20 डेज है हमारे पास, 16 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, 16 दिसंबर के आपके पास ये कंटेंट आ जाएगा। इस पूरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, द फी स्ट्रक्चर 2500, जिसमें आपको मिलती है जीके की सारी वीडियोस, स्टैटिक प्लस करंट, इसके साथ सारे के सारे टॉपिक टेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं अपने रिवीजन पर्पस के लिए, साथ में आपको भाई ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज मिलती है टिसनेट और टिसमैट की।
अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, आप हमारी वेबसाइट मतलब सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, दैट इज फॉर 1000 रुपीज, जिसमें आपको 10 टिस नेट के मॉक्स और 5 आपको टिस मैट के मॉक्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको भाई जीके ज्यादा लर्न करना है, रिटेन करना है, देन यू गो एंड गो फॉर द फर्स्ट बैच। अगर आपको मोर और लेस सिर्फ रिविजन पर्पज से प्रैक्टिस करना है, देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड वन। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पर, मैं आपके साथ फर्दर डिटेल शेयर कर दूंगा, एंड इसके बाद आप अपनी वीडियोस देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भाई आप ध्यान रखो इस समय कि जीके एक मेक और ब्रेक सेक्शन है। अगर आप खुद भी कर रहे हो तो मेक श्योर करना इस बात को कि सारे के सारे टॉपिक टच कर रहे हो, बिकॉज हमने देखा है प्रीवियस ईयर में एग्जाम में दोनों सेक्शन से, चाहे स्टैटिक हो चाहे करंट हो, दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन इस पेपर में रहता है, तो आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो यहाँ पे। तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है, एंड अगर आप टू द पॉइंट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें, बिकॉज देखो अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो लर्न करना रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, वीडियो में देख देख के करोगे जल्दी चीजें लर्न होगी, टू द पॉइंट आपको पढ़ाया गया, रिटेन जल्दी होगा। कुछ लर्न करने की ट्रिक्स बताई है जिससे आप ज्यादा आउटपुट अपना निकाल सकते हो, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। एंड इसके अलावा भाई इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपडेट होती रहती हैं, तो वहां से भी आप कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।